गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम जो हमारा क्लास 12th का टॉपिक था रिलेशन एंड फंक्शन, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। फर्स्ट एक्सरसाइज में से कुछ क्वेश्चंस भी हमने दिए थे। एक क्वेश्चन इसके लिए मैं अभी भी आपका फर्स्ट एक्सरसाइज से लिखा है, जो कि हमारा ये इस तरह से इन्होंने डिफाइन किया है और हम इसकी रिफ्लेक्सिव सिमेट्री और ट्रांजिटिविटी चेक करना चाहते हैं। जैसा कि हम डेफिनेशन से समझ चुके हैं रिलेशन से क्या है, रिलेशन की टाइप क्या है, रिलेशंस की जो मेन टाइप है जिन मापना आइडेंटिटी है, वॉइड रिलेशन है, आपका यूनिवर्सल रिलेशन है और तीन मेन टाइप हमने रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव ये पढ़ी है इसके लिए। और उसके बाद एक हमने इक्विवेलेंस रिलेशंस की भी यहाँ पर बात की है। तो इन सभी चीज़ों को हम समझना चाहते हैं, इनको कंसिडर करेंगे। उसके पहले एक जो आपका लास्ट एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, जिसमें हमें यही तीनों चीज़ें कैसे हम चेक कर सकते हैं, इनका हमें वहाँ पर ब्यौरा दिया गया है, उनके बारे में हमें बताया गया है। उस नॉलेज के भी आखिर हम इस क्वेश्चन को एक बार चेक करना चाहते हैं, क्या ये इसमें से किसी कंडीशन को फॉलो करेगा या नहीं करेगा। तो इसमें जैसा कि हमें डेफिनेशन से दिखाई दे रहा है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास ये वाला फॉर्म है। अब इसमें अगर हम सबसे पहले आपकी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को चेक करना चाहते हैं, मैं कॉन्ट्राडिक्टरी के साथ भी आपको बताऊंगा क्यों आपका जो इसमें, अगर आप रिलेशन को ध्यान से समझोगे एक बार जो इन्होंने स्टेटमेंट दी हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग कहा गया है आर जो है वो आपका डिफाइन किया गया है किसके कार्टेशियन प्रोडक्ट पर, इट इज इन अगेन क्यू माइनस जीरो, ये आपका है कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्योंकि आर हमें पता है ये सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट के, जैसे क्यू माइनस यहाँ पर जैसे जीरो दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग मैं आपका लिख देता हूँ इसका सबसेट होगा। यानी कि इसमें जो ऑर्डर्ड पेयर है आपके वो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आने वाले हैं। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं आपकी, अब वन एक मैंने ले लिया आपका, वैसे कल रफली थोड़ा बता रहा हूँ इसके बारे में, वन और टू दोनों में लिखे ये आपके q माइनस जीरो से रिलेट कर रहे हैं बिकॉज दीज टू आर रैशनल, रैशनल में से इनको जीरो ऑफ किया है सर। अच्छा, वन टू आपके रैशनल हैं तो आपका इस कंडीशन में रहना चाहिए, यानी दोनों का प्रोडक्ट इस टाइप का ऑर्डर पेयर है और उन दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए आपका फोर। तो अभी अगर हम यहाँ पर चेक करते हैं तो वन इन टू में टू, इट इज टू, इट इज नॉट बिलोंग टू द, इट इज नॉट बिलोंग टू द, अगर हम आपका ये ऑर्डर पेयर बात कर रहे हैं आपका वन टू का, तो ये आपका आर का मेंबर नहीं होगा, क्योंकि आर हमें जो फॉर्मिंग दी है वो इस टाइप की दी हुई है कि हमारा एक में इसका ऑर्डर पेयर आपको बताने की कोशिश कर रहे हो। जैसे हम टू और टू ले लेते हैं, ये तो आपका आर से बिलोंग कर रहे हैं, क्यों टू इन टू में टू डिफाइन किया है जिस पर हमारा रिलेशन, उसकी सारी एंट्रीज आपकी इट सेल्फ के साथ ऑर्डर पेयर उनको बढ़ाना होगा। इट सेल्फ के साथ ऑर्डर पेयर अगर है सभी एंट्रीज का तो हम रिफ्लेक्सिव के लिए कहेंगे। अब कॉन्ट्राडिक्टरी के लिए, अब हम ये सभी को तो चेक कर नहीं सकते क्योंकि हम सभी को क्योंकि इनफाइनाइट हैं, तो उसके लिए हम एक आदि आपको यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्टरी एग्जाम्पल दे देंगे और उसके आधार पर हम कह देंगे आपका ये फॉलो नहीं करता। तो अब इसके लिए हमने चेक किया है, अभी वन लिया था, वन वन को मैं चेक कर रहा हूँ क्या ये आपका मेंबर है, नो इट इज नॉट बिलोंग टू द, इट इज नॉट बिलोंग टू द। Yes, AB is equal to 4, ये पे दिया हुआ है AB is equal to 4। अब 1 into 1, it is 1 वैसे तो मेंबर है आपका इसका, बट ये तो आपका रिलेशन में तो लाई नहीं कर रहा है, so it is not reflexive। और स्टैंडर्ड के लिए आप कह सकते हो let ये इस टाइप के एग्जाम्पल कॉन्ट्राडिक्टरी एग्जाम्पल देंगे और इसमें let का आ जा सकता है कि हमारा A है कोई भी जो कि आपका q माइनस जीरो इसका मेंबर तो है बट ये ए है जो ये आपका आर में नहीं है, आर में नहीं है कुछ क्या काफी ये आपको इस टाइप के मिल जाएंगे जो इसको कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं।
अब यहाँ ये पता है कोई भी कंडीशन अगर आप कहना चाहते हो जैसे रिफ्लेक्स के लिए जाना चाहते हो तो सब इशू है इसके जो आपके एलिमेंशन सभी को ये कंडीशन आपकी इस टाइप से फॉलो करनी चाहिए। तो सिर्फ एक ही इसकी एंट्री टू ही फॉलो कर रही है इस कंडीशन को, एक आध और भी आप चेक कर सकते हो अगर आपको मिल रहा है जिसमें ये कंडीशन आपकी फॉलो हो रही है। तो हमने देखा ये काफ़ी कॉन्ट्राडक्टरी हमें मिल गया रिजल्ट जिनके आधार पर ये रिफ्लेक्शन नहीं है। सिमेट्री के लिए ये होता है हमारा, अगर हम देख रहे हैं मान लीजिए वन और वन अपॉन फोर ये ले लीजिए, टू ले लीजिए, एक टू ले लीजिए और ये ले लीजिए वन अपॉन एट। थोड़ा एक बार हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा पहले तो ये इसका मैं करना चाहिए यानी सिमेट्री कंडीशन है। जो सिमेट्री कंडीशंस में क्या होगा मान लीजिए ये अब हम देख रहे हैं क्या ये आर का मेंबर है, यस ये आर का मेंबर है। क्यों आर का मेंबर, ये आर का मेंबर है भाई यहाँ पर, ये बिलोंग टू द आर है, ये आप इस तरह से लिखोगे। क्यों, जब आप इसको इस प्रॉपर्टी में रखोगे टू इंटू में वन अपॉन एट, टू इंटू में वन अपॉन एट तो हमें क्या मिल रहा है, सॉरी ये दोबारा बता रहा हूँ, ये टू इंटू में वन अपॉन एट से तो हमें मिल रहा है वन अपॉन फोर, जबकि हम चाहते क्या थे फोर चाहते थे। तो ये आर का नहीं है, तो हमें इसके लिए आपकी जो सिमेट्री कंडीशन है वो भी चेक नहीं करनी है, हमें तो उन्हीं की चेक करनी है जो हमारे आर में है। एक और मैं यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए, वन और हम ले लेंगे 16 अपॉन 4, ये 16 अपॉन 4 या सिर्फ 4 भी आप इसको कह सकते हो, मीन ये आपका बिलोंग टू द आर, बिलोंग टू द आर 16 अपॉन 4। वैसे 1 भी आपको पता है ये रेशनल है, 0 ही तो ऑफ किया है रेशनल, तो सारे रेशनल है हमारे पास, तो 1 भी रेशनल है, 16 अपॉन 4 भी रेशनल है, या 4 भी कह सकते हो आप, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका बिलोंग टू द आर है बिकॉज 1 इंटू में 16 अपॉन 4 इट इज इक्वल टू 4, यानी आर में है, तभी आप चेक करोगे कि भाई ये आपका आपका इसके सिमेट्रिक बनाने के लिए इसके आर इनवर्स भी इसका है या नहीं है। इस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट पे भी बात कर रहे हैं, यानी 16 अपॉन 4 और 1 ये भी बिलोंग कर रहा है आर में। इफ ये मतलब ये है देन ये है, मतलब कहने का ये है अगर ये लाई कर रहा है तो आपका ये भी लाई कर रहा है। तो हमें ये देखना है कि जो ऑर्डर पेयर, अब ये सोचा एक पहले ऑर्डर पेयर लिख दिया था जैसे मैंने आपको, उस ऑर्डर पेयर का हमें देखा वो आर कोई बिलोंग नहीं कर रहा है, आर में ही लाई नहीं कर रहा है, तो उसका हमें उसकी आपकी जो सिमेट्रिक फॉर्म है वो भी चेक करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप इसको इस तरह, तो आपके फॉर्मूला को थोड़ा मैं आपको एक एग्जाम्पल आपका सिंपल नंबर के हेल्प से मिल गया है, और इसको प्रूव करने के लिए जो करेंगे लेट ए एंड बी बिलोंग टू द ए एंड बी बिलोंग टू द क्यू माइनस जीरो एंड ए बी बिलोंग टू द ए बी बिलोंग टू द देन आल्सो बी ए बिलोंग टू द शो इट इज सिमेट्रिक, शो इट इज सिमेट्रिक, मतलब रिफ्लेक्शन होना चाहिए कि यार रिफ्लेक्शन होने नहीं मिल जाए, लेकिन ये आपका यहाँ से आप देखें ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक किसी भी आप ऑर्डर पेयर को जो आपका आर में लाई कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा डॉट प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव होता है, तो उस कारण से हमारा वन अगर ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है तो ये वाली भी होल्ड करेगी, सिमेट्रिक होगा। अभी उन्होंने कहा है चेक कर रहा आपने ट्रांजिटिव के लिए, अब ट्रांजिटिव के लिए अगर आप जानना चाहते हो तो उसमें फिर आपका जो तीन नंबर्स हैं आपने वो लेने पड़ेंगे, तीन नंबर्स कौन से हो जाएंगे यहाँ पर, तीन नंबर कौन से हो जाएंगे जिनकी हेल्प से हमें ये प्रॉपर्टी आपकी, वैसे तो ए बी सी लेंगे हम, मैं थोड़ा कॉन्ट्राडक्टरी की हेल्प से एक बार सोच रहे हैं भाई आपके तीन नंबर लें यहाँ, जो आपके इस तरह से दो तो आर मलाई कर रहे हैं और थर्ड वन आपका आर मना हो, ये हम चाहते हैं यहाँ से हमें मिले। तो अभी इसमें हम ले रहे हैं वन अपॉन टू और एट, वन अपॉन टू और एक एट ले गया नंबर, जब दोनों वन मलाई करेंगे तो फोर हमारा हो जाएगा, दो नंबर तो ये लीजिए कॉन्ट्राडक्टरी देना चाहते हैं इसके लिए हम एक, और ये बिलोंग कर रहा है आर से, सेम एज इट इज, हम आर पहला एलिमेंट हमने लेना है और उसके लिए हम लेके जाएंगे भाई आपका यहाँ पर आपका जो नंबर है वो हमारा फोर मल्टीप्लाई हमें चाहिएगा, तो हम आठ के साथ देख लेंगे क्या ये नंबर इस टाइप का मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, जिसको हम इस तरह से ले सकें। यहाँ पर यहाँ कोई नंबर है आप सोचोगे तो ये
चेयर बनाने के लिए इसको मतलब सोचना है तो माइनस वन बाई टू तो हो सकता है, बट वहाँ तो पॉजिटिव फोर मिल रहा है। तो यहाँ पर आपका ऐसा इस पेयर को इस तरह से यानी तीन नंबर्स को डिफाइन करने के लिए अगर आप इसको ए बी सी के हेल्प से लेके जाओ, ए बी सी आपका बिलोंग कर रहा है आर से, इफ ए बी बिलोंग टू द आर एज वेल एज बी सी बिलोंग टू द आर देन ए सी इज नॉट बिलोंग टू द आर, ए सी इज नॉट बिलोंग टू द आर। एक एग्जाम्पल आप थोड़ा अपने आप ही थोड़ा कंसिडर कर सकते हो, हमें यहाँ पर ये रैशनल नंबर से जो आपके जीरो को ड्रॉप करके बताए गए हम वो हमें जड़े हैं, ये ओवर नंबर भी आपका हो सकता है ऐसा, जिससे हम ये इंटरेक्टिव फॉर्म को समझ सकें, कैलकुलेट कर सकें जिसमें ये और ये अगर हमने यहाँ पर, तो हमें आपका फोर नहीं मिलेगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन था जो जिसमें हमें चेक करना था वेरी फ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा। इसमें आपका सिर्फ रिफ्लेक्सिव मतलब यहाँ पर कहा है कि सिर्फ रिफ्लेक्सिव होगा सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, आपका यहाँ पर रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिक होगा। तो अभी जो आपके ये तीन कंडीशंस के बारे में हम बात कर रहे थे, क्वेश्चन ये है कि ये होंगे जो हमारे फर्स्ट एक्सरसाइज में हमें दिए गए हैं, जिसमें आपकी हमें ये तीनों कंडीशन ही यहाँ पर चेक करनी थी, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अगर कोई आपका रिलेशन इन तीनों कंडीशन को होल्ड कर रहा है तो ये आपका रिलेशन एक नई आपकी नाम देने के हमें तीनों कंडीशन के साथ अगर कोई रिलेशन आया हुआ है और उसका नाम है इक्विवेलेंस रिलेशन, तो कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे जो हमें इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए चेक करने हैं, जो अगली एक्सरसाइज है उसके बारे में भी थोड़ा कुछ क्वेश्चंस को हम कंसीडर कर लेंगे किस टाइप से आपके सॉल्यूशंस दिए गए हैं। और इससे पहले बड़े जो आपकी कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल्स मन प्रॉब्लम है वो भी आप इसको थोड़ा और अच्छे से क्लियर करने के लिए समझने के लिए आप चेक कर सकते हो। तो इसमें आपका जो नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया हुआ है इसको स्टेट कर रहे हैं आपके लिए, इन्होंने डाला है शो दैट द रिलेशन आर इज द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन ए लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज। लाइब्रेरी के लिए हमने एल ले लिया, अभी एल मीन्स ऑल द बुक्स, ऑल बुक्स ये लाइब्रेरी हमारी ऑल बुक्स है, इसमें हमारी सारी की सारी बुक्स हैं। जैसा मैं आपको बता रहा था दोबारा से इसको समझने के लिए आप क्या ध्यान रखोगे, ये तीनों आपकी प्रॉपर्टी या रिलेशन ये तीनों टाइप होल्ड कर लिए कोई भी रिलेशन तो वो आपकी इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगी। यहाँ पर इन्होंने आपका जो कार्डियल प्रोडक्ट के लिए आपका सेट इन्होंने दिया है ये है एल, एल मीन्स लाइब्रेरी है और इसमें सब टाइप्स की बुक हैं आपकी मैथमेटिक्स की, साइंस की, इंग्लिश की जो भी बुक होती हैं सभी में जो नंबर ऑफ पेजेज हैं वो भी आपको पता है कि भाई हमारे अलग अलग होंगे, कोई बुक बड़ी होगी कोई छोटी होगी, लेकिन उन्होंने यहाँ पर दिया है जो आर है, आर जो हम डिफाइन करना चाहते हैं इस पर सेट ऑफ ऑल बुक्स इन ए लाइब्रेरी, ये आपकी ए बी टाइप हमने लेना है और यहाँ पर बेहद ए एंड बी हैव सेम अमाउंट है, सेम अमाउंट पेज, मतलब कहने का क्या है कि जो रिलेशन है हमारा वो डिफाइन किया गया है, यहाँ से जो बुक्स है आपकी ऑर्डर पेयर वही डालेंगे जिनमें क्या आपके दोनों बुक्स में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, यानी पहले वाले बुक में और दूसरे वाले बुक में से जैसे 10 हैं दूसरे वाले में भी 10 हैं, 50 हैं, 100 हैं, कितने भी हैं आपके दोनों में सेम हैं। तो यहाँ पर सारे टाइप की बुक्स हैं जिन माह के पेज ज़्यादा कम जैसे मैंने आपको बताया था। तो अब इसको हम प्रूव करना चाहते हैं इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब हो गया ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करेंगे, लेट हमने एल वन एक बुक उठाई है कहाँ से, बिलोंग टू द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी से हमने आपकी यहाँ पर ले ली है बुक एल वन और हमें चेक करना है क्या एल वन आपका आर में होगा, यस इट इज बिलोंग टू द आर। कारण क्या है, एल वन दोनों जगह आपकी सेम ही बुक है, एक ही बुक है, यानी एल वन में जितने पेज हैं आपके मान लीजिए एल वन में हमारे 18 पेज हैं तो यहाँ पर भी एल वन ही आया हुआ, यानी दोनों में हमें जो डेफिनेशन दी गई थी यानी आपकी जो ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एंट्री और सेकंड एंट्री है उसमें जो बुक्स आपकी आने वाली है उनका क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ पेजेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए।
तो इसमें सारा कोई भी बुक उठा लो, एक बुक के साथ अगर हम इट सेल्फ के साथ आपका ऑर्डर पेयर बनाएंगे तो क्योंकि दोनों बुक आपकी सेम ही है और नंबर ऑफ आपकी पेजेस भी वहाँ पर आपको सेम मिलने वाला है। शो रिफ्लेक्सिव होल्ड, शो रिफ्लेक्सिव होल्ड। अच्छा, दूसरी कंडीशन के दिए जा रहे हैं, लेट एल वन एंड एल टू दो बुक ले ली हमने कहा से, लाइब्रेरी से। इफ इफ मतलब एल वन और एल वन और एल टू आपका आर में है, मीन्स आपका एल वन और एल टू में सेम नंबर ऑफ पेजेस यहाँ पर है, तभी आपका ये आर में होगा। इफ हमें पता है सिमेट्रिक जब भी हम कंडीशन आपकी फॉलो करेंगे तो इफ और देन के साथ हमें जाना है, देन देन भाई ये तो आसान है, L2 और L1 ये भी तो आपका आर में होगा, कारण सिंपल है इसमें बिल्कुल। L1 और L2 आपके तभी याद आते जब इनमें आपके दोनों में सेम नंबर ऑफ पेजेस थे। अब इनको हमें अगर सिर्फ एंट्री को यानी आर का इनवर्स ले लेंगे रिलेशन का, जो कि आपकी ऑर्डर पेयर है उसमें सिर्फ एंट्रीज की आपकी पोजिशन ही यहाँ पर चेंज होगी, तो उससे आपका नंबर ऑफ पेजेस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसलिए ये भी आपका आर में होगा एंड इट इज सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव के लिए हमें तीन बुक्स उठानी है और उसके लिए L1, L2 और L3 हमने तीन बुक आपकी लाइब्रेरी से ले ली है। इसमें भी एफ और दिन है, देन के साथ ही यानी इफ आपका L1 और L2 ये आपका आर में है, एज वेल एज L2 एंड L3 ये भी आपका आर में है, तब हमें चाहिए क्या L1 और L3 ये भी आपका आर में होना चाहिए। ये हमारी कंडीशन है आपकी ट्रांजिटिव फॉर्म को अगर हम प्रूव करना चाहते हैं। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो हमने देखा है L1 और L2 आर में है, L1 और L2 आर में तभी हो सकते हैं जब इन दोनों में सेम नंबर ऑफ पेजेज होंगे, तो फॉर एग्जांपल इसमें 100 होगी तो भाई इसमें भी क्लियर 100 हो जाएंगे। अब यहाँ पर L2 L3 आपको लिखने की जरूरत नहीं, वैसे समझने के लिए 100 थे तो यहाँ भी 100 हो गए, तभी तो ये आर में भी हम कर रहे हैं। अभी क्योंकि ये बुक्स हैं जो तीनों बुक्स में 100 आ गए हैं तो आपका L1 और L3 जो हमने यहाँ पर लिखा है ये भी आपका एग्जिस्ट होगा, क्योंकि या भी L1 में भी 100 पेजेज हैं और L3 में भी 100 पेजेज हैं। सो L1 एंड L3 बिलोंग टू द आर, मींस आपका यहाँ पर थर्ड जो ट्रांजिटिव कंडीशन है ये भी आपकी फुलफिल हो जाएगी। कुछ क्वेश्चंस में जैसे आपको दिया गया दिया जाएगा भाई शो दैट, या देखिए शो दैट इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन, तो शो दैट में क्या होगा आपको सिंपली पता है शो दैट इन होने का, तो ये आपकी कंडीशन होल्ड करेंगे वहाँ पर। इस तरह से आप लोगे और प्रूव करते चले जाओगे। अगर इन्होंने दूसरी फॉर्म इस तरह से आपको चेक करने के लिए दे दिए तो चेक कीजिए ये आपका आपकी कंडीशन को होल्ड कर रहे या नहीं कर रहे, जैसे पिछले क्वेश्चन में पूछा गया था, तो आप फिर सभी को एक बार चेक करोगे और अपने दिमाग में जो आपका सेट वहाँ पर दिया हुआ है जिस पर आपका रिलेशन डिफाइन है उसको चेक करोगे कि भाई क्या ये आपकी यहाँ पर जो दी हुई है फॉर्म वो आपकी आर अप्लाई कर रही है, यानी आपकी जो कंडीशन है वो होल्ड कर रही है नहीं कर रही है। कॉन्ट्राडिक्टरी एग्जाम्पल अगर आपको लग रहा है कि ये होल्ड नहीं कर रही है कुछ केसेस में कुछ ऑर्डर अफेयर में, तो वो कॉन्ट्राडिक्टरी एग्जाम्पल आप दे सकते हो जिससे एग्जाम्पल को क्लियर पता चल जाएगा आप यहाँ पर करेंगे भी रिफ्लेक्सिव आपकी या जो भी कंडीशन है वो होल्ड नहीं कर रही है। ऑल बुक्स के लिए लाइब्रेरी की ऑल बुक्स और इस रिलेशन को अगर हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं, नंबर ऑफ रिलेशन भी एक थोड़ा हमने वहाँ पर अगर नंबर ऑफ रिलेशन कितने रिलेशन हो सकते हैं ये भी हमारा एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर निकल गया रहा है नंबर ऑफ रिलेशन। तो हमारे जो आपके सेट हैं जिन पर आपका रिलेशन आपने डिफाइन किया है ए और बी है, मान लीजिए दो नॉन एम्प्टी सेट जिन पर हमने आपका यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन किया है जिस पर रिलेशन हम लेना चाहते हैं, तो उनमें मान लीजिए ए में आपका पी नंबर ऑफ एलिमेंट है, इसमें आपका क्यू नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ रिलेशन ए टू बी हमारे जो टोटल हो जाएंगे इट इज फॉर्म एज टू पावर पी क्यू टू पावर पी क्यू, इंपॉर्टेंट है नंबर के लिए इस टाइप का क्वेश्चन आपके लिए डाला जा सकता है। तो इस तरह से आप चेक करोगे बिल्कुल आसान है, अगर हम सिस्टम को शो दैट के साथ लेके जाना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्टरी जो आपके ऑर्डर पेयर हैं वो भी सोचने की जरूरत नहीं है, हम सीधा कह देंगे, और चेक दैट के लिए जा रहे हैं तो हमें ये जरूर आपका एक बार देख लेना है। कुछ और क्वेश्चन इसके लिए स्टेट कर रहा हूँ मैं, एक दो क्वेश्चन के अभी स्टेटमेंट आपके लिए लिख रहा हूँ, उसके बाद उनकी भी हम कंडीशन को चेक कर लेंगे रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव कौन होल्ड कर रहा है, कौन इसमें आपका रिफ्लेक्सिव होल्ड कर रहा है, सिमेट्रिक होल्ड कर रहा है, ट्रांजिटिव होल्ड कर रहा है, और उन तीनों को होल्ड करके कौन रिलेशन आपका इक्विवेलेंस रिलेशन बन रहा है। उसके बाद थोड़ा आपका क्वेश्चन दिया हुआ है राइट द स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन
और मामला सेट ए, एक सेट ए हमें दिया हुआ है 1 2 3 और स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन हम इसके लिए डिफाइन करना चाहते हैं, तो इन्होंने जो डिफाइन किया है उसमें ऑर्डर दे रहा है यहाँ के 1 1 2 2 3 3। अब यहाँ से सबसे पहले हमें रिफ्लेक्शन चेक करना, 1 बिलोंग टू द ए एंड 1 1 2 2 3 3 यस इट इज रिफ्लेक्शन। अब आपको वैसे सिमेट्रिक तो नहीं है, सिमेट्रिक देखो सिमेट्रिक इसलिए कहेंगे हम अगर 1 2 यहाँ पर होता मान लीजिए और फिर 2 1 हमें चेक करना होता, इन्होंने पूछा है समालेष्ट, इन्होंने क्या पूछा है समालेष्ट, तो हमारे पास ये हमें ऑर्डर पेयर डालने की जरूरत ही नहीं है ताकि हम इसको समालेष्ट यानी छोटे से छोटा रख सकें। इसीलिए आपकी जो थर्ड कंडीशन है ट्रांजिटिव वो भी फॉलो नहीं कर रही है क्योंकि उसके लिए हमें 3 डिफरेंट एलिमेंट के लिए तो ऑर्डर पेयर चाहिए जो कि यहाँ पर नहीं दिए गए, तो सारे के सारे कंडीशन सिर्फ इस एक कंडीशन के होल्ड होने से ही आपकी हो जाएगी। तो समालेष्ट इक्विवेलेंस रिलेशन अगर सेट ए पर हम देना चाहते हैं, समालेष्ट की बात हम कर रहे हैं, इसके अलावा भी जैसे ये ऑर्डर डाल दिया मैंने 2, अब ये आपका यहाँ पर जितनी ऑर्डर पेयर आपकी दी हुई है रिफ्लेक्सिव को होल्ड कर रही है और आपकी सिमेट्रिक को भी होल्ड कर रही है, ट्रांजिटिव ना हो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से भी हम इसको कह सकते हैं। अब ट्रांजिटिव के लिए भी अगर आप इसमें बढ़ाना चाहते हो तो 1 2 है और एक आप 3 4 रख लीजिए यहाँ से और एक 1 4 रख लीजिए यहाँ से, ये और डालते पड़ेंगे आप इसको 2 4 रखो 2 4 1 2 2 4 और यहाँ से आप रखना पड़ेगा फिर 1 4 क्योंकि 3 डिफरेंट एलिमेंट के साथ जाना चाहते थे हम, तो यहाँ से अभी ट्रांजिटिव भी हो गया। लेकिन अगर सिर्फ हम समादृष्ट करना चाहते हैं देन रिफ्लेक्शन की तो हमारी कंडीशन है रिफ्लेक्शन का, तो समादृष्ट में अगर मैं ये सोचूँ कि मैं ये आपके ऑर्डर पेयर यहाँ से वो कर दूंगा, लेकिन अगर एलिमेंट यहाँ पर नहीं 3 कहाँ से जाएगा, 3 बिलोंग तो कर रहा है एक से बट 3 3 का जो ऑर्डर पेयर है वो आर में नहीं है नॉट बिलोंग टू दैट, तो हमारा जो आर है वो आपकी पहले वाली कंडीशन ही होल्ड नहीं करेगा, तो बाकी की कंडीशन के लिए हमें जाने की जरूरत नहीं है। तो समालेष्ट की जब हम बात करेंगे देन इट कैन बी रिटन एज ये आपका किस नंबर 2 जो आपको दिया हुआ है उसको इस तरह से हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है रिलेशन ऑफ सेट ऑफ इंटीजर पर यहाँ पर ड्रॉ करना चाहते हैं सेट ऑफ इंटीजर, आर जो है ये सेट ऑफ इंटीजर का जो कार्डिनल प्रोडक्ट होगा उस पर इन्होंने डिफाइन किया है और आर की जो डेफिनेशन है ये आपकी इस तरह से लिखी गई है ए बी सच दैट ए एंड बी बिलोंग टू द जेड जैसे हमें पता है, और जो आपकी डेफिनेशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग कहा गया है टू डिवाइड ए माइनस बी। तो अभी ये हमारी डेफिनेशन है और ये हमारा यहाँ पे इन्होंने रिलेशन डिफाइन कर दिया है, इसके लिए जो चेक करना चाहते हैं इज एन शो का आ रहा है इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन आपका ये बढ़ जाएगा, सभी जो ऑर्डर पेयर आपके यहाँ पर आएंगे वो इन तीनों कंडीशंस को होल्ड करेंगे। सबसे पहले मैं आपकी कंडीशन के लिए जा रहा हूँ लेट, जैसे हमें पता है ये सीधा भी आप ले सकते हो 0 हमें पता है 0 बिलोंग टू द जेड, तो हमें क्या चाहिए 0 0 आर में होना चाहिए क्योंकि प्रत्येक एलिमेंट के सेट के साथ जो ऑर्डर पेयर है वो आर में होगी तभी हम उसके लिए आपकी रिफ्लेक्शन कंडीशन कह सकते हैं। अब 0 माइनस 0 0 होता है 2 आपका जो है वो 0 को डिवाइड कर रहा है, हमें पता 2 0 0 0 हो जाएगा रिजल्ट। अब ये कुछ वैसे एग्जाम्पल ले लिए बता रहा हूँ, जैसे 1 बिलोंग टू द शो दैट क्या हुआ है आपको, जैसे मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में भी कह रहा था शो दैट के लिए 1 बिलोंग टू द जेड एंड 1 1 इट इज बिलोंगिंग टू द आर बिकॉज 1 माइनस 1 0 अगेन 2 डिवाइड 0 2 2 2 भी हम ले लेंगे 2 बिलोंग टू द जेड। कुछ एंट्रीज को थोड़ा हमें अपना एक विजन बनाने के लिए इसमें थोड़ा अपना अपना एक अजम्पशन बनाने के लिए हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं ये अगेन 2 2 बिलोंग टू द आर, ये भी आर आपका हो जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब माइनस क्योंकि इंटीजर और माइनस के भी होते हैं माइनस 1 देख लीजिए थोड़ा आइडिया के लिए माइनस 1 बिलोंग टू द जेड एंड एज माइनस 1 क्योंकि यहाँ पर ये हमने घटाना है पहली एंट्री दूसरी एंट्री से आपकी हमें घटानी है, अभी पहले तो सीधा आपका बिलोंग टू द आर हम कहेंगे क्यों माइनस वन माइनस माइनस प्लस वन देन वे भी 0 एंड 0 अगेन डिवाइडेड बाई 2। तो सिंपली हमारा जो मैं पहले वाली कंडीशन थी रिफ्लेक्शन कंडीशन थी अच्छे से होल्ड हो रही है कोई प्रॉब्लम नहीं है,
इसको अगर जनरलाइज करना चाहते हो तो लेट कर सकते हो, लेट ए बिलोंग टू द जेड, लेट ए बिलोंग एनी एनी की बात हो जाएगी, ए बिलोंग टू द जेड एंड ऑल ए ए बिलोंग टू द आर, ऑल ए ए बिलोंग टू द आर, सो इट इज रिफ्लेक्शन। अब सेकंड कंडीशन के लिए ये फिर आपका दैट के साथ हमें जाना होता है, इफ मतलब कहने का ये ऑर्डर पे अप्लाई कर रहा था भी आप उसके वर्ड्स को चेक करोगे, यानी जैसे हम बात करेंगे कंडीशन आपके ध्यान रखनी है, तो उसे अब दो और चार है मेरे हिसाब से ये आर का मेंबर है, क्यों है आर का मेंबर दिखाई दे रहा है, 2-4 इट इज -2 एंड डिवाइडेड बाय 2 इट इज -1, सो आपका यहां होगा 2 से डिवाइड हो रहा है। अभी हम अगर इसके रिवर्स को देखते हैं 4-2 आल्सो बिलोंग टू द आल्सो बिलोंग टू द आर, यानी जो आपका यहां पर आर में है जो यहां ऑर्डर पे इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है उसका रिवर्स भी आपका इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सो इट इज सिमेट्रिकल। प्रूफ करने के लिए आप वही दो एलिमेंट ले लोगे ए और बी बिलोंग टू द जेड एंड इफ इफ जरूर है आपका ए बी बिलोंग टू द आर देन इट इज इजीली आपका बी ए बिलोंग टू द आर, बी ए बिलोंग टू द आर। थर्ड कंडीशन के लिए थोड़ी एक और एडिशनल लाइन इसके लिए मैं आपको बता दूंगा ताकि थर्ड कंडीशन में आप कंफ्यूज ना हो, तो थर्ड कंडीशन अब ये सेकंड वन हमारे पास है, हमने कंसीडर कर लिया है सेकंड वन हमारा, हमने लिख दिया है और इसके अकॉर्डिंग ये रिलेशन अब इशो बैठ का तो इक्विवेलेंस रिलेशन है, हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, सभी को हम आसानी से प्रूव कर देंगे। अब थर्ड वन अगर आप करना चाहते हो देखो जैसे ये लिख दिया हमने 2 और 4, एक तो ये हमें यार का भी पता भी है ये हमने लिया था, आगे ले लो 4 और 8 ये भी बिलोंग कर रहा है आर से, ये ध्यान रखो देखे पहले ये एंट्री को अगर दूसरी में से घटाएंगे तो 2 से 2/4 जैसा कि हमें पता है ये आपका 2/4 है आपका 2 से डिवाइड हो रहा है, इसी तरह से आपका 4 और 8 ये भी आपका अगर एक पहले एलिमेंट में से दूसरा एलिमेंट हम घटाएंगे तो ये भी आपका डिवाइड हो रहा है, तो इस कारण में हमारा अभी तो एक जनरल नंबर की हेल्प से मैं एक बार समझ रहे हैं, इस कारण हमारा अगर ये पेयर हम लेना चाहते हैं 2 और 8 का ये भी हमें बिल्कुल आसानी से दिखाई दे रहा है बिलोंग टू द आर, कारण ये है 2/8 -6 और 2 से डिवाइड करेंगे तो -3 यानी होल्ड होगा। अब ये आपकी जो स्टैंडर्ड एंट्रीज है या आप नॉर्मलाइज रिजल्ट को जनरलाइज अगर करना चाहते हो तो उसके लिए आप क्या करोगे, लेट ए बी एंड सी बिलोंग टू द जेड, ए बी एंड सी बिलोंग टू द जेड, ए बी सी अगर आपका जेड के मेंबर हमने 3 ले लिए हैं तो ये भी हमने ए और बी आपका आर में है, यानी कि ए बटा बी को 2 डिवाइड कर रहा है, ए बटा बी को 2 डिवाइड कर रहा है, तो लिखा जा सकता है जैसे हमने पढ़ दिया है पहले अपने लोअर क्लासेस में इट कैन बी रिटन एज 2m वेयर m इज एनी इंटीजर, ऐसे ही हमारा बी सी ये भी आपका बिलोंग टू द आर है, देन 2 डिवाइड बी माइनस सी आल्सो बी माइनस सी इक्वल टू 2n, ये किसी n पर चल रहा है, तो हम चाहते हैं यहां से थे ए और सी ये भी आपका आर में हो, ये हम चाहते थे, ये अभी हम तो नहीं किया, अभी हम इसके बारे में बात करेंगे, यहां से जो पहले दो कंडीशन से हमने लिख दिया है एंड कर देंगे इसको, देन वी हैव ए माइनस सी इज इक्वल टू 2 को कॉमन ले लीजिए एम प्लस एन, अब दोबारा से आप यहां से सोचोगे 2 ये वाली कंडीशन ही आपकी बन जाएगी, एम की जगह एम प्लस वन अगेन कोई आपका इंटीजर है ये आपका यहाँ से हो जाएगा 2 डिवाइड ए माइनस सी 2 डिवाइड स्टैंडर्ड क्लास के अंदर समझ ली गई थी ए बी सी की हेल्प से, हम यहाँ पे रहेंगे 2 डिवाइड ए माइनस सी, तब हमारी जो कंडीशन है जो हम चाहते थे शो करना कि अगर हम आपका रिलेशन ओवर जेड क्रॉस जेड डिफाइन करते हैं डेफिनेशन ये वाली है तो ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों कंडीशन को होल्ड करेगा इजीली और इस कारण ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। अगली जो प्रॉब्लम इसमें दी हुई है उसके बारे में थोड़ा एक बार डिस्कस कर रहे हैं, आगे जो पार्ट आपका दिया हुआ है सिंपल पार्ट दिया हुआ है इसको देख लेते हैं, थोड़ा छोटा पार्ट है ये हमारा और सभी ऑर्डर पे हम इसी पे ही हम मिल जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है इसके बारे में देखो किस तरह से हमें पता चलेगा, इसको प्रूव करना चाहते हैं चेक करना चाहते हैं, तो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है शो दैट द रिलेशन ऑन द सेट ऑफ ए, पहले यहाँ पर सेट एक छोटा सेट ज्यादातर हमें इनफाइनाइट सेट मिलते हैं 1 2 3 4 5 ये हमारा सेट है
और आर की जो डेफिनेशन इस पर हमें दी हुई है, आर आर ए बी है, ए बी ये है भी आर, और हमारा आगे मतलब डेफिनेशन में दिया हुआ है ए माइनस बी मॉडुलस इज डिविजिबल बाय टू, ए माइनस बी मॉडुलस के साथ आ रहे हैं डिविजिबल बाय टू, ये हमें दिया हुआ है। और कंडीशन हम चेक करना चाहते हैं इसके लिए ए जे एन इक्विवेलेंस रिलेशन राइट ऑल द चेक करना चाहते हैं हम, शो दैट करना चाहते हैं इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इसके लिए हमारा सबसे पहले यहाँ पर हमें सिर्फ पांच एलिमेंट दिए हुए हैं, आर की जो डेफिनेशन है ई टी ऑन ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए हमें पता है 25 ऑर्डर पे, इसके थे 5 एलिमेंट है तो 25 ऑर्डर पे हो जाएंगे। आर में ये वाले ऑर्डर पेयर आपने ले रहे हैं, तो देखते हैं आर में कौन कौन से ऑर्डर पेयर आके यहाँ पर आने वाले हैं, कुछ लिख लेते हैं, टोटल हमें लिखने की जरूरत नहीं है। वन देखो, वन वन वाला आ जाएगा, कारण क्लियर है क्योंकि वन माइनस वन जीरो, जीरो मॉडुलस जीरो देन जीरो एंड वी आर इजली डिवाइडेड बाय टू। सेकेंड जो आपका नंबर यहाँ पर दिया हुआ है टू टू टू, यस ये भी ऑर्डर करेगा, टू टू भी आर में होगा, इसी तरह से थ्री थ्री भी आर में होगा, फोर फोर भी आर में होगा और फाइव फाइव भी आर में होगा, यानी सारे एलिमेंट अपने एक सेल के साथ ऑर्डर पेयर दिए हुए हैं, सो वी आर विद रिफ्लेक्सिव कंडीशन, यानी हमारी रिफ्लेक्सिव कंडीशन यहाँ पर होल्ड कर रही है। अब थोड़े दूसरे आपके आगे वाले जो एंट्रीज हम के लिए जा रहे हैं, देखिए जैसे वन थ्री का ऑर्डर पेयर है, वन थ्री की बात अगर हम करें यहाँ पर जाएगी, इसको इस तरह से लिखते हैं वन माइनस थ्री मॉडुलस टू रह जाएगा, टू से डिवाइड रहेगा, वन थ्री भी होगा और थ्री वन भी होगा, क्लियर हमें पता है क्योंकि थ्री माइनस वन करेंगे टू मॉडुलस टू, टू अगेन डिवाइडेड बाई टू। अब वन फोर के साथ अगर हम इसको करें तो थ्री होगा नहीं, वन फाइव के साथ इसके लिए हम सोच सकते हैं वन फाइव, वन माइनस फाइव वैसे बता रहा हूँ यार, चेक करने के लिए सिर्फ आपको वन माइनस फाइव ए माइनस फोर मॉडुलस से प्लस फोर टू, यस वन एंड फाइव भी हो जाएगा और फाइव एंड वन भी हो जाएगा। उसके बाद आगे ये तो वन के साथ, वन थ्री के साथ है, वन ए फाइव के साथ हमारे हो जाएंगे, उसके बाद टू के साथ भी हो सकते हैं, टू फोर भी हो जाएगा हमारा, टू फोर कार्ड में आपका क्लियर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से आपका टू माइनस फोर इट इज माइनस टू मॉडुलस प्लस टू एंड डिविजिबल बाई टू, फोर टू में भी आपका यहाँ पर हम आपकी फॉर्म ले लेंगे, फोर टू भी आपका यहाँ पर कंसिडर कर लेना है। तो ये टोटल ऑर्डर पेयर आपके यहाँ पर बन जाएंगे जो इस आपके डेफिनेशन को, क्योंकि तीन के साथ आपका डिविजन तीन के साथ भी एक और आपका ले सकते हो, आप अभी ये और सोच लेंगे, तीन थ्री फाइव वाला भी हो जाएगा, थ्री फाइव वाला हो जाएगा और फाइव थ्री वाला, ये भी आपका यहाँ पर हो जाएगा, और भी जैसे भैया छोड़ना दिया हो, थ्री फाइव फाइव थ्री, अब फोर फाइव के साथ नहीं हो सकता, फोर टू के साथ, टू फोर के साथ ले चुके हैं, ये आपके बाकी हो चुके हैं। तो अभी देखो रिफ्लेक्शन होंगे यहाँ तक कि जो ये और ये आपके ऑर्डर पेयर थे उनके आधार पर हमने कह दिया था। अब आप ये बात कर रहे सिमेट्री की, अब यहाँ पर वन थ्री है थ्री वन भी है, वन फाइव है फाइव वन भी है, टू फोर है फोर टू भी है, थ्री फाइव है फाइव थ्री भी है, मतलब सभी के जितने भी आपके आर में यहाँ पर ऑर्डर पेयर लाई कर रहे हैं सबके आपके यहाँ पर जो इनवर्स है वो भी हमें मिल रहे हैं, शो इट इज सिमेट्रिक आल्सो, शो दैट इन का। अब तीन अलग अलग एंट्रीज के लिए अगर हम सोचते हैं यहाँ से, तो देखो किस तरह से हमारा हम कर सकते हैं, अगर इनको देखा हम ए तीन एक एक पाँच, यस तीन पाँच सही है ना, ये हो जाएगा हमारा तीन। अच्छा उसके बाद हम डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए सोचेंगे जहाँ पर हमारी एंट्रीज तीन डिफरेंट एलिमेंट्स लिए हुए हो, अगर इसके सब जितने आपके ऑर्डर पेयर दिए हुए हैं उन्हीं की पॉसिबिलिटी हमें देखें, एक तीन है तीन पाँच है, एक पाँच चाहिए ना हमें एक पाँच फाइव, क्यों यहाँ से जो करेंगे तीन डिफरेंट एलिमेंट वन थ्री थ्री फाइव, तीन डिफरेंट एलिमेंट हो जाएंगे, वन थ्री बी आर में है, थ्री फाइव बी आर में है, वन फाइव बी आर में है, तो इस तरह से ही आपकी जो ट्रांजिटिव कंडीशन है ये भी होल्ड करेगा, क्योंकि आपके सिलेक्टेड ऑर्डर पेयर है और उन्हीं के आधार पर हमें चेक करना है, बाकी जो इसके अंदर है ही नहीं उनके बारे में हमें बात नहीं करनी है, चाहे वो एक क्रॉस ए के अंदर बेसक हो, क्योंकि आप हमारा इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही हमें ऑर्डर पेयर देने वाला है।
तो अब इस एक्सरसाइज में कुछ और वो आपके पार्ट्स भी बचे हुए हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये वाला तो आपका एक बैलेंस रिलेशन जिसमें आपकी रिफ्लेक्शन मेट्रिक आप खुद थोड़ी चीज़ों को अगर चेक करोगे ट्राई करोगे अजम्पशन अपने डेफिनेशंस के अपने माइंड में करोगे तो समझ लोगे ये मुश्किल नहीं है। तो थैंक यू फॉर टुडे, नेक्स्ट टेक केयर।